Hello guys, welcome back to another episode of my vlog. So जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं दार्जिलिंग में हूँ, तो थोड़ा दिन काम कर रहा था, तो आज दार्जिलिंग में मेरा लास्ट दिन है, तो सोचा कि कुछ एक दो जगह घूम के आ जाए, तो इसलिए निकल रहा अभी दार्जिलिंग के एक दो जगह घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे एक स्कूल में जाना है, पहले अपना भाई का एडमिशन के लिए वहाँ पर कुछ बात करना है, तो पहले वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कहाँ जाऊँगा। तो तब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, अपना काम खत्म हो गया स्कूल में, भाई का एडमिशन फॉर्म निकलवाना था और निकाल लिए, तो अभी चलते हैं कुछ एक जगह में जाएंगे, सोच के रखे थे। तो जाते जाते थोड़ा रास्ते में बात कर लेंगे, पहले पेट्रोल भरवा लेते, पेट्रोल थोड़ा कम है। पेट्रोल भरवा लिए हैं, जहाँ पर कि तेंजिंग नॉर्गे जी प्रैक्टिस भी करते हैं, और जो माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेने आते हैं उन लोगों का भी वहीं पर ट्रेनिंग होता है, वो स्टोन में, जो कि लेबुंग के सामने ही है, लेबुंग कार्ट रोड में। तो आज वहीं पर ही जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको जाके। एक्चुअली वो स्टोन वहाँ पर खुद तेंजिंग नॉर्गे जी खुद ही प्रैक्टिस किया करते थे पहले, जो कि एज पर मैंने गूगल में पढ़ा था। और एक बार जब जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जब आए थे यहाँ पे दार्जिलिंग, तो उन्होंने खुद डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे तेंजिंग जी खुद वहाँ पर चढ़ के दिखाए थे वो क्लिप में। तो आज उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, और जो भी पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो भाई चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं तब तक पहुंचता हूँ तेंजिंग रॉक में। ऊपर में ये जू है, यहाँ पर दार्जिलिंग का जू और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी यहीं पर ही है, देख सकते हैं आप। इनको ये रास्ते से जाना होगा ऊपर में, तो लेकिन हम जाएंगे सीधा आगे, क्योंकि वो आगे है हमारा तेंजिंग नॉर्गे रॉक। जब रिटर्न होंगे तो अगर देखते हैं टाइम मिला तो जाएंगे जू में भी, नहीं तो किसी और दूसरे दिन आएंगे, तो वैसे भी दार्जिलिंग तो आना जाना रहता ही है। अभी अपना हाल ही में बाइक का भी सर्विसिंग करवाया है, अभी थोड़ा अच्छे से पिकअप दे रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ा पिकअप का थोड़ा प्रॉब्लम था, और अभी मोटा मोटी ठीक ठाक हो गया, सब ठीक करवाया है दो दिन पहले ही, तो अभी थोड़ा मस्त चल रहा है अपना बीस्ट।
और ये है अपना रोपे दार्जिलिंग का, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी है, यहाँ से नीचे तक एकदम देखिए ऊपर से आ रहे हैं लोग रोपे, सब एक्सप्लोर करेंगे एक दिन, एक एक दिन करके आएंगे अभी, क्योंकि देखिए दार्जिलिंग में ऐसे घूमने के लिए नहीं आया हूँ, ऐसे काम भी होता है, तो काम करते करते थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा ब्लॉग बना लेता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, तो ये सब चीज़ भी आस्ते आस्ते आएगा अपना ब्लॉग में, आप लोग जस्ट बने रहिए चैनल पे। सो गाइस अभी पहुंच गए हम यहाँ पे, बाइक अपना पार्क कर लिए है, तो अभी जाएंगे थोड़ा इधर देखने के लिए, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर प्रैक्टिस में है अभी, और ये एक्चुअली गोम्बू रॉक जो कि ये देख सकते हैं आप, पूरा लोग यहाँ पे है, ये एक्चुअली गोम्बू रॉक, ये तेंजिंग नोर्गे जी के नेफ्यू के नाम में रखा गया है रॉक का नाम, और ये है तेंजिंग रॉक, ये जो है देखिए, ओके स्टॉप, देख सकते हैं वहाँ इंस्ट्रक्टर है, तो चलिए हम इस पर अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर भी है चेंजिंग रॉक, ये है टूरिस्ट लोगों के लिए, और उस तरफ जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये टूरिस्ट लोगों के लिए जो है उसे इस तरफ भी। So guys, अभी हम भी कोशिश करेंगे चढ़ने का, चलिए पूछते इधर अंकल कसरी चढ़ेको परेड, सो 100 रुपियाँ हो, मतलब यो क्यामेरा लाउनु पाउँछ, लाउने त हुन्छ हुन्छ नि, चलिए गाइस 100 रुपियाँ करके हम भी ट्राई करते हैं। So guys, अभी पुरै रेडी, म सिलगढीबाट आएको नि, यहाँनिर सुनेको तेन्जिङ नोर्गे प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो अरे नि यहाँनिर, होइन त्यही हो एक्चुली, तान्दै जानु पर्ने तपाईँहरूलाई, त यस्तो सुन्छु सर, यो चाहिँ नि त्यसलाई अर्डर गर्दा हुन्छ नि, हेलो भाइ हजुर, सुन चल रहे भाइ अम्बी पर्ने, हेलमेट र क्यामेरा प्रब्लम दिएर भाइ हजुर, ए होइन अलिकति क्यामेरा मिलाएको है कि, म त हजुर युट्युबमा हाल्छु नि त कि भिडियोहरू, उत्रिँदाखेरि चाहिँ कतापट्टि हो, उतापट्टि हो, अब कुन चाहिँ हो पहुँच गए यहाँ पर, तो अङ्कल लोग यहाँ पर हेल्प गर्ने के लिए, अब नीचे जाएंगे यहाँ से, देख पा रहे पूरा, हम लोग भी अभी लग रहा है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अच्छे से यहाँ पे,
गाइस क्लाइंबिंग हो गया ऊपर में, यहाँ से वहाँ पहुँच गया है अभी। ये तो ये एक्चुअली टूरिस्ट लोग अंकल यो चाहिँ एक्चुअली टुरिस्टहरुको लागि मात्रै हो नि, यहाँनिर टुरिस्टको लागि अन्त जो प्रोफेसनल गर्ने त्यो ब्याक साइड गोमु गोमु गोम्बु रक यसको ब्याक साइड हुँदैछ नि, यसको ब्याक साइड हुँदैछ अच्छा। तो गाइस ये जो है एक्चुअली टुरिस्ट लोगों के लिए, और जो बैक साइड में मैंने आपको पहले दिखाया था और वो सामने जो रॉक दिख रहा है वो एक्चुअली प्रोफेशनल क्लाइंबर्स के लिए है। तो किसी दिन देखते अगर हो सके तो हम भी कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए आज इतना ही रखते हैं वीडियो में, अगर कोई भी रीज़न से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही है, अगली बार और भी दूसरा अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँगा। टिल देन बी सब्सक्राइब एक्सप्लोरर साइनिंग आउट।